अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट हार्ट शेप केक। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं 3 अदद अंडे, 1/2 कप मैदा फ्लोर, 1 चम्मच बड़ा खाने का चम्मच कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, पाउडर वनीला एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून आप लेंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 कप क्रश्ड शुगर। यहाँ मैंने सिंपल चीनी ली है, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और उसको फिर मैंने छान लिया है। अब हम 3 अदद अंडों को सेपरेट करेंगे। मैंने इधर यहाँ जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर लिया। आपने देखा है कि सफ़ेदी में ज़रा सी भी जर्दी नहीं गई। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी भी सफ़ेदी में जर्दी ज़रा सी भी नहीं जानी चाहिए और अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जर्दी और सफ़ेदी में जो बाउल यूज़ किया हमने उसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एक डॉट भी, एक बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम एग वाइट को ब्लेंड करेंगे और अच्छी तरह इसको ब्लेंड करना है। तब तक इसे ब्लेंड करते रहना है जब तक इसकी पीक्स नहीं बन जाती। जैसे हम क्रीम को व्हिप करते हैं तो उसकी पीक्स बन जाती हैं, इसी तरह हम जब इसको करेंगे बीट करेंगे तो आपकी जब तक पीक्स नहीं बन जाती आपने इसको बीट करते रहना है। केक में जो सॉफ्टनेस आती है वो इसी की वजह से आती है। अगर आपकी बीटिंग अच्छी होगी तो आपका परफेक्ट केक बनेगा, सॉफ्ट केक बनेगा। जितनी ज़्यादा फ्लफी होगा एग वाइट उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट आपका केक बनेगा। इसमें आपको आपने इसमें मीडियम स्पीड पे आपने इसको बीट करना है, ज़्यादा हाई स्पीड पे बीट नहीं करना। अगर आपकी मशीन की स्पीड 6 है हाई तो आपने 3 तक मैक्सिमम इसे 3 पे स्पीड पे रख के ब्लेंड करना है, क्योंकि बेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लेंडिंग और ये बीटिंग की होती है। अगर आपकी बीटिंग अच्छी हुई है तो आपका केक बहुत परफेक्ट बनेगा। यहाँ आपको मैक्सिमम कोई 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। अगर आप शुरू में आप बिगनर हैं और आपका केक इस तरह बीट करने से नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि आपके बाउल में ज़रूर कोई पानी था या फिर आपके जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे नहीं थे। जब भी आपने बेकिंग करनी है आपने 5 से 10 मिनट पहले आपने अंडे निकाल देने हैं। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और उसके बाद आपने इनको सेपरेट करना है, एग वाइट और येलो को। यहाँ ये देखें इस तरह। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करूँगी। एकदम से आपने शुगर ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। ये मेरा वीडियो अब ये इस तरह थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून करके आपने शुगर ऐड करनी है और फिर बीट करना है। फिर नॉर्मल स्पीड पे बीट करना है, हाई स्पीड पे बीट नहीं करना। इसी तरह मैं अब थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करती जाऊंगी और इसको बीट करती जाऊंगी। हाँ जी, मैंने सारी शुगर इसमें ऐड कर दी है और अच्छी तरह इसको बीट कर लिया है। ये बीट करने के बाद का रिज़ल्ट है, मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने येलो पार्ट था उसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। किसी भी स्पून से आप कर लें, बीटर से आपने इसको मिक्स नहीं करना। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। उसके बाद आपने 1/4 टीस्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट पाउडर, अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। और 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह आपने छान के डालना है।
अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे हम, ताकि कोई लंप ना बन जाए। ये मैंने यहाँ मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसको यहाँ हम जो हमने येलो पार्ट मिक्स किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं किस तरह मेरे ये एग वाइट और इसमें शुगर है, और किस किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। इस तरह की होगी तो केक आपका बहुत अच्छा बेक होगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें जो येलो था, येलो पार्ट था जिसमें हमने बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाला था, इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ जी सारा येलो पार्ट हमने एग वाइट में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको फोल्ड करना है। यहाँ बीटर इस्तेमाल नहीं करना आपने। जब आपने दोनों को मिला देना है, एग येलो डाल देना है एग वाइट में, तो उसके बाद आपने बीटर को यूज़ नहीं करना, बीटर से बीट नहीं करना। स्पैचुला की मदद से आपने इसको फोल्ड करना है। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी बनी है, ये बहुत अच्छा बेक होगा। इसके बाद आपने कोको पाउडर जो हमने हाफ से थोड़ा सा कम, 1/2 कप से थोड़ा सा कम फ्लोर लिया था, उसमें हम 1 टीस्पून छान के इसमें हमने डाल देना है कोको पाउडर। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करके फ्लोर को और कोको पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आपने 1 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करते जाना है और अच्छी तरह इसको फोल्ड करते जाना है। ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो लम्ब्स बन जाएंगे और इसको ख़त्म करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग 1 टेबल स्पून से करें, 1 टेबल स्पून डालते जाएँ, आसानी होगी। 1 टेबल स्पून डालते जाएँ और उसको फोल्ड करती जाएँ। यहाँ मैं आपको सारा डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। यहाँ सारा मैंने कोको पाउडर इसमें मिक्स कर दिया है, फ्लोर और कोको पाउडर मिक्स करके कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद मोल्ड में डाल के इसको हम कुकर में या किसी भी बड़े देचके में आप इसे बना सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है। ये जी मेरी फाइनल लुक है मिक्स करने के बाद। अब हम 1 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। जो बिगनर्स हैं और जिन्हें बेकिंग का शौक है वो मेरी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताई होती हैं जो अगर आप मिस कर देंगे वीडियो तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगी और फिर आपका बेकिंग भी ठीक नहीं होगी। तो आप पूरी वीडियो मेरी देखा करें। ये मैंने मोड़ लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने ऑयल से ग्रीस करना है और उसके बाद इसमें मैदा डस्ट कर देना है। और इसके बाद हम ये जो भी बैटर बनाया है इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम मैंने यहाँ तेज की जो है 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दी थी, मीडियम हाई हाई टू मीडियम फ्लेम पे रख दी थी। लेकिन जब आपने बैटर इसमें डाल लेना है और आपने इसको आपने जो फ्लेम है वो स्लो कर देना है, लो फ्लेम पे बनाना है। और जब आपने देसी में डाल देना तो आपने बार बार उसका कैप उठा के नहीं देखना अंदर। आपने एक 30 मिनट्स के बाद चेक करना है आपका केक बेक हो गया होगा। 30 to 35 मिनट लगते हैं बेकिंग होने में। ये 3 अंडों का मैंने बताया। अगर आपने ज़्यादा
डाला तो उसमें 45 to 50 minutes भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा मोल्ड ज़रा छोटा था तो इसलिए मैं दो दफ़ा बेकिंग कर लेती हूँ। ये जी मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। मोल्ड में बैटर डाल देने के बाद आपने इसको 3 से 4 दफ़ा टैप करना है अच्छी तरह, ताकि जितने भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए इसमें से। ये बेकिंग करने के बाद फिर मैंने, ये मेरा स्पंज रेडी है। अब हम इसकी पहले फ्रोस्टिंग जो तैयार करेंगे वो मैं विप क्रीम से करती हूँ। हाफ से थोड़ा सा कम, मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम लेके मैं इसमें क्रीम बीट करूँगी इसको अच्छी तरह। इसको आपने बीट करना जब तक इसकी पीक्स नहीं बन जाती, इसको तब तक आपने बीट करते रहना। इसमें कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो क्रीम्स होती हैं उसमें शुगर डालना और मतलब वो विप भी नहीं सही होती। विपिंग क्रीम जो बेस्ट है वो विपी क्रीम है। विपी भी बेस्ट एवर क्रीम है। अगर आपने स्टार्टिंग करनी है, सीखना है, तो बेस्ट क्रीम है, आप इसी से स्टार्ट करें। इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको आपने बीट करते जाना है जब तक इसकी पीक्स नहीं रेडी हो जाती। ये जो मेरी क्रीम विप हो गई है, आप देख रहे हैं इसमें पीक्स बन रही हैं। तो यहाँ हमारी क्रीम तैयार है। अब हमने जो स्पॉन्ज बनाया था उसको हमने 2 लेयर्स में कर दिया है। ये मैं सीरम लगा रही हूँ। इस सीरम में आपने क्या करना है, आपने पानी ले लेना है और थोड़ा सा पानी लेके उसमें 1 टीस्पून या थोड़ा सा कम आपने शुगर इसमें ऐड कर लेनी है। और या फिर आप दूध लेके उसमें शुगर ऐड करके बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैंने पानी में हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी लिया था और उसमें 1.5 टीस्पून मैंने शुगर ऐड की थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें चॉकलेट सिरप ऊपर डालना है तो उसमें भी शुगर होती है। कोशिश करें कि चॉकलेट सिरप जब आप बनाएं तो उसमें हम ये चीज़ बनाएं तो उसमें आपने थोड़ी शुगर ऐड करनी है। ये मैं क्रीम पहले पहले मैंने चॉकलेट सिरप से, शुगर सिरप से उसको मैंने सो कर लिया। उसके बाद अब मैं क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम लगा लेने के बाद इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट सिरप। मेरे पास चॉकलेट सिरप है, ये थोड़ा सा मैं इसमें इसके ऊपर चॉकलेट से अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। आप यहाँ कॉकटेल्स डाल सकते हैं, चेरीज डाल सकते हैं। अगर आप चॉकलेट का बना रहे हैं तो मुझे तो चॉकलेट
पसंद है, तो इसलिए मैं चॉकलेट, चॉकलेट सिरप, फिर कैरामल सिरप, अब ये कैरामल है, कैरामल सिरप इसमें मैं डालूँगी। और उसके बाद अगर आपको चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसमें चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर लें। ये मैंने ऊपर चॉकलेट लगा दी है, जो जितनी क्वांटिटी में आपको जो चीज़ पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मेन बस सारे केक में आपकी बीटिंग की बात होती है, अगर आपकी बीटिंग अच्छी है तो आपका केक अच्छा बन जाएगा। ये मैं इस पे सेकेंड लेयर लगा रही हूँ। सेकेंड लेयर में भी बिल्कुल वही करना है जो आपने फर्स्ट लेयर में किया है। पहले शुगर सिरप से सो कर लेना है, उसके बाद आपने क्रीम लगा देनी है। और इसको अच्छी तरह से कवर कर देना। ये मैं शुगर सिरप लगाया, बहुत मज़ेदार केक बनेगा। प्लीज़ मेरी मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं बार बार कह रही हूँ मेरी पूरी फुल वीडियो देखा करें, ताकि जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बताती हूँ आपको वीडियो के दरमियान में वो आपसे स्किप ना हो जाए। थोड़ी सी क्रीम लेके हमने केक को सारी तरफ से अच्छी तरह कवर कर लेना है। उसके बाद हमने फोर पीसेस कर लेनी है, फोर पीस पार्टीशन कर लेनी है इस तरह। और उसके बाद किसी भी जगह से ऐसे काट कट करके आपने ये पीसेस उठा के ऊपर रख देने हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह, इस तरह आपने दोनों ऊपर लगने, कॉर्नर्स बन जाएंगे, लेकिन ये इसे हम क्रीम से कवर करके उसको हमने हार्ट शेप में ले आना है। इस अच्छी तरह अब हमने क्रीम से इसको कवर करना है। अच्छी तरह हमने करना है, जहाँ से वो कॉर्नर से वहाँ हम ज़रा थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगा के हार्ट शेप में ले आएंगे उसको। क्रीम से अच्छी तरह कवर कर लेने के बाद ये मेरे केक की फाइनल लुक है। डेकोरेशन के लिए मैंने विप क्रीम में कलर रेड एंड पिंक कलर डाल के पाइपिंग बैग से उससे मैंने डेकोरेशन कर ली। आप भी किस अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और दरमियान 4 to 5 टेबल स्पून मैंने डार्क चॉकलेट ली और 2 टेबल स्पून मैंने विप क्रीम ली। अवन में इसको 10 to 20 सेकेंड के लिए हीट किया, फिर थोड़ा सा मैंने 1 to 2 टेबल स्पून इसमें वाटर डाल दिया, उससे शाइन बहुत अच्छी आ जाती है आपके केक की। और फिर मैं सेंटर ऑफ द केक मैंने सारा स्प्रेड कर दिया, और उसके बाद क्रश करके डार्क चॉकलेट ही ऊपर स्प्रिंकल कर दी। बहुत मज़ेदार केक रेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें। और अभी तक मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।